नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के टॉप 10 आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा किसी तरीके से ऑफिसर बन जाए, किसी अच्छे स्कूल में सेलेक्ट हो जाए। तो आज की जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, उन पेरेंट्स के लिए लेकर के आया हूँ जो पेरेंट्स, अब देखिए हर आदमी चाहता है कि उनका बच्चा किसी तरीके से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में बच्चे को एडमिशन मिल जाए। समझने वाली बात है, लेकिन क्या हर आदमी अपने बच्चे को हॉस्टल में रख सकता है? क्या सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को हॉस्टल में रख करके तैयारी करवा सकते हैं? क्या सभी पेरेंट्स हॉस्टल में इतना खर्चा कर सकते हैं? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप समझिए इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे इंडिया के टॉप फेमस, जिसके रिजल्ट सबसे अच्छे हैं, उन आर्मी पब्लिक स्कूल की बात करेंगे। तो हो सकता है कि देखिए इनमें से कोई आर्मी पब्लिक स्कूल आपके घर के आसपास हो जिसमें आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं, अपने बच्चे को आप निकाल सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए। और आपको मैं बता दूं कि सभी पेरेंट्स हॉस्टल में रख करके 1-1.5 लाख रुपए दे करके सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, RIMC देहरादून हो गया, गुरुकुल हो गया, वहां पे तैयारी नहीं करवा सकते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो बहुत छोटी वीडियो है, इसमें मैं आपको टॉप 10 आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में बताऊंगा जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जहां पे आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं और आप अपने बच्चे को, और ये सभी स्कूल जो CBSE बोर्ड में आपके रिजल्ट आते हैं क्लास 10th और क्लास 12th में, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। और आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडिया के टॉप 10 जो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल है, उसमें सबसे टॉप नंबर पे, टॉप 10 वाली लिस्ट में कौन कौन से आर्मी पब्लिक स्कूल आते हैं? तो सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं। ठीक है जी, तो जो भी बच्चे न्यू दिल्ली के आसपास रहते हैं, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों को आर्मी पब्लिक स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सैनिक स्कूल में ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, या कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजना नहीं चाहते हैं, तो आप आर्मी पब्लिक स्कूल के माध्यम से तैयारी करवा सकते हैं। तो जो दिल्ली के आसपास रहते हैं उनके लिए आर्मी पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा रहेगा, धौलाकुआं वाला। और आपको बता दूं कि इंडिया में करीब करीब इंडिया में 150 आर्मी स्कूल, और उसमें से ये सबसे फर्स्ट रैंक पे आता है जिसका एकेडमिक रिजल्ट जो है वो सबसे स्ट्रांग है, बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे जो 10th और 12th का जो CBSE बोर्ड का जो रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा जाता है हर साल। ठीक है जी, तो जो लोग लाइव आ चुके हैं फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए, जो लोग दिल्ली से हैं जिनके घर के आसपास ये स्कूल पढ़ता है, वो अपने बच्चों को आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं के माध्यम से तैयारी करवा सकते हैं। और यहाँ से देखिए, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से बच्चा ऑफिसर बन जाएगा, NDA में निकल जाएगा, IIT का तैयारी करेगा, लेकिन स्कूल बहुत जबरदस्त है, इसका जो टीचिंग का लेवल है वो काफी हाई है। और यहाँ पे 10th और 12th क्लास में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे आपके बच्चे के रिजल्ट बहुत जबरदस्त आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग हो, तो आसपास अगर आपके आर्मी स्कूल है तो आप वहां पे भी तैयारी करवा सकते हैं। और अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि आर्मी पब्लिक स्कूल में भी ऐसे डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, वहां के लिए भी आपको तैयारी करवानी पड़ेगी। तो अगर आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, अदर स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप अपने बच्चे को शाम को तैयारी करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 7419992928 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर हम लोग अपने वॉर हीरोज की बात करें, कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर, ये दोनों के दोनों यहां से पढ़े हुए हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर हम लोग आगे बात करें, आप लोग सुपरस्टार जो हमारे हैं अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा, आप सभी लोग इनको जानते हैं, ये भी यहां से पढ़ चुके हैं, यहां के स्टूडेंट है, कहां के? आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं के। आगे चलते हैं, और सेकेंड नंबर पे आता है हमारा आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ, 1981 में इसकी स्थापना की गई है, काफी पुराना, आप ये मान के चलिए कि करीब करीब 40 साल पुराना स्कूल है। तो क्या आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहेंगे? कोशिश करो, अगर देखो आपके आसपास अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, और अगर आपके आसपास कहीं आर्मी एरिया है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, और अगर आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए इस स्कूल के लिए। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आपको तैयारी करवानी पड़ेगी, कम से कम 1-1.5 साल, 2 साल आपको प्लान करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि करीब करीब 20 एकड़ का पूरा कैंपस है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा स्कूल है वो करीब 10 एकड़ में फैला हुआ है, 20 एकड़ एक बहुत बड़ी लैंड होती है, और ऐसी जगह में बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। और 10th और 12th क्लास का रिजल्ट है वो हर साल बहुत ही जबरदस्त रहता है, और ये हमारी लिस्ट में जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। और यहाँ से अब तक बहुत सारे नवाब,
क्योंकि आपको पता है लखनऊ जो है नवाबों का शहर है, तो अब तक यहाँ से बहुत सारे नवाब तैयार हो चुके हैं। और अब आगे अगर आप और नवाब तैयार करना चाहते हैं तो पहले आप शाम को तैयारी करवाओ, जिसमें हम लोग बच्चों को मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, उसके लिए आपको शाम को कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई। देखिए मैं हमेशा से आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के बारे में वीडियो पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, और क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल है इसीलिए मुझे पसंद है। और कोई अगर आर्मी वाले पेरेंट्स हैं, कोई डिफेंस वाले पेरेंट्स हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी वाले, तो मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो फीस है वो 1,60,000 के करीब खर्चा आता है। और आपका बच्चा, आप ये मान के चलिए कि हिमाचल की वादियों में आपका बच्चा पढ़ रहा है, मौसम बहुत अच्छा रहता है, 12 महीने और करीब करीब 35 साल पुराना, 34 से 35 साल पुराना स्कूल है। और अगर हम बोर्डिंग लिस्ट की बात करें तो इंडिया के टॉप 6 रैंक पर यह स्कूल माना जाता है। ठीक है जी, इंडिया में बहुत सारे बोर्डिंग स्कूल हैं और टॉप 6 नंबर पे आपका आता है आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई। जो अदर स्कूल हैं, जो रैंक 1 है, रैंक 2 है, बाकी जो मैंने आपको बताया वो बोर्डिंग स्कूल नहीं है। लेकिन क्योंकि बोर्डिंग स्कूल को मैं पर्सनली इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि वहां पे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात चलती है, बच्चे की पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, ठीक है जी, फ्यूचर में बच्चे को कैसे ऑफिसर तैयार करना है, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, ये सारी चीजें आपको बोर्डिंग स्कूल में मिल जाती है। 40 एकड़ में पूरा कैंपस फैला हुआ है और 2100 मीटर्स की ऊंचाई पर ये आपका स्कूल बसा हुआ है। 12 महीने मौसम बहुत ठंडा रहता है, मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पंखे भी नहीं लगे हुए हॉस्टल में, सोचिए आप, इतना अच्छा मौसम रहता है। और 12 के 12 महीने तो पढ़ाई लिखाई के लिए ऐसी जगह चाहिए। अगर आपको शाहरुख खान बनना है तो आपको बम्बई जाना पड़ेगा, अगर आपको कैटरीना कैफ बनना है तो आपको बम्बई जाना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको, ध्यान से समझिए, आर्मी ऑफिसर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो आपको बोर्डिंग स्कूल में जाना पड़ेगा। बोर्डिंग स्कूल का मॉडल बिल्कुल अलग होता है, एक नॉर्मल स्कूल में और एक बोर्डिंग स्कूल में फर्क होता है। नॉर्मल स्कूल में आपसे सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के बारे में बात की जाती है, लेकिन बोर्डिंग स्कूल में हमेशा ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाती है। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसा है, आपका फिजिकल ट्रेनिंग, आपकी मेंटल ट्रेनिंग, आपका रिटन एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। तो करीब करीब 2100 मीटर की ऊंचाई पर ये स्कूल है, बहुत जबरदस्त स्कूल है। आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा आर्मी पब्लिक स्कूल पुणे। 1988 में इसकी स्थापना की गई, करीब करीब 30 साल पुराना स्कूल है, करीब करीब 30 ईयर्स का पुराना स्कूल है। और आपको मैं इस लिस्ट में जितने भी स्कूल बता रहा हूँ वो 30 से 40 साल पुराने हैं, और इसीलिए ये टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं। इनके 10th क्लास के और 12th क्लास के रिजल्ट हर साल बहुत जबरदस्त आते हैं। सोचिए इंडिया में करीब करीब, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 150 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं और उनमें ये टॉप 10 स्कूल्स में आते हैं। तो अगर आपके आसपास ये स्कूल हैं तो अपने बच्चों को तैयारी करवाइए, ठीक है जी। और आप अपने बच्चे को, जो लोग हॉस्टल में आकर के तैयारी नहीं करना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को आर्मी स्कूल के लिए तैयारी करवा सकते हैं, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके बच्चे को आगे फ्यूचर में लीडर बनाने के लिए, ऑफिसर बनाने के लिए, एक अच्छा बिजनेसमैन बनाने के लिए, एक अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए, यह आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है जी। तो आर्मी पब्लिक स्कूल मैंने आपको बताया कि जो पुणे वाला है, फोर्थ रैंक पे आता है और ये करीब करीब 1988 में इसकी स्थापना की गई है। आगे चलते हैं, पांचवें नंबर पे आता है आपका आर्मी पब्लिक स्कूल बैंगलोर। 1981 में इसकी स्थापना की गई है, पांचवें नंबर पे आता है। और स्कूल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप फिर यहाँ पे देखिए, करीब करीब 40 साल पुराना स्कूल है। मैं बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूँ, क्लास 10th और क्लास 12th। देखो सारी जो लड़ाई है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, अगर आपके बच्चे के 10th और 12th क्लास में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बेसिक्स आपके बच्चे का स्ट्रांग है, आपके बच्चे को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं, आपका बच्चा अपने आप आगे जाएगा, ऑफिसर बनेगा, लीडर बनेगा। लेकिन दिक्कत क्या, अगर बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, बचपन से अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाया, अच्छी टीचिंग क्वालिटी नहीं मिल पाई है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई है, तो बच्चा नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। छठवें नंबर पे आता है आपका आर्मी पब्लिक स्कूल नारंगी, जो कि ये आपका गुवाहाटी असम में पड़ता है। तो जो लोग असम के आसपास रहते हैं, गुवाहाटी के आसपास हैं, ठीक है जी, जो लोग गुवाहाटी में रहते हैं, गुवाहाटी के आसपास हैं, वो अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स, किसी भी आर्मी स्कूल में अगर आप तैयारी करवाना चाहते हैं तो शाम को आप अपने बच्चे को, शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच में आप तैयारी करवा सकते हैं, और 7419992928 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये वाली मैं लिस्ट क्यों लेकर के आया हूँ, उन पेरेंट्स के लिए लाया हूँ जो अपने बच्चों को हॉस्टल में, सैनिक स्कूल में नहीं भेजना चाहते, जो मिलिट्री स्कूल में नहीं भेजना चाहते, जो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में नहीं, जो आर्मी
पब्लिक स्कूल दक्षाई में बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं, जो आरआईएमसी देहरादून में नहीं भेजना चाहते हैं, उनके लिए मैं लाया हूँ कि अगर आपके आसपास कोई आर्मी स्कूल है तो एटलीस्ट वहां के लिए आप तैयारी करवाओ। शाम को डेली 3 से 4 घंटे की क्लासेस लगती हैं और आपका बच्चा, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, पूछो कि ये इवनिंग क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या है, कि ये इवनिंग क्लासेस क्या चीज है, इसमें कैसे तैयारी करवाई जाती है, क्योंकि आपका बच्चा ऑलरेडी किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, तो शाम को आपका बच्चा हमारी एकेडमी ज्वाइन करके आपका आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए तैयारी कर सकता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको रीजनिंग कराई जाएगी, रीजनिंग किसी भी स्कूल में नहीं कराया जाता, आपको हम आपको करंट अफेयर्स कराएंगे, करंट अफेयर्स नहीं कराया जाता, जीके जो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, इंटरव्यू की तैयारी स्कूल में नहीं करवाई जाती है, सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आपको बता दूं कि अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्कूल है वो रूल रेगुलेशन के लिए आपका फेमस है, तो जो भी बच्चे गुवाहाटी से असम से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी, गुवाहाटी के आसपास रहते हैं, वो बच्चे इस स्कूल के लिए पर्टिकुलरली एडमिशन करवा सकते हैं। तो रूल रेगुलेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त और फेमस है। आगे आता है दिल्ली वालों के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार, जो कि आपका दिल्ली में है, ठीक है जी। तो अगर आप दिल्ली के आसपास से बिलोंग करते हैं, आपके आसपास ये स्कूल है, तो आप तैयारी करवा सकते हैं। 8th नंबर पे आता है आपका आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर, ठीक है जी। ये 1989 में, यानी करीब करीब आपका वही 30 साल पुराना स्कूल है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। आगे चलते हैं 9th, और ये करीब करीब 10 एकड़ में पूरा कैंपस फैला हुआ, 10 एकड़ में, ठीक है जी। तो ये जितने इस लिस्ट में सिर्फ एक आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, वो बोर्डिंग स्कूल है, बाकी सारे के सारे नॉन बोर्डिंग स्कूल है, क्योंकि हर मम्मी अपने बच्चे को हॉस्टल में नहीं भेजना चाहती, हर पापा अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में, हॉस्टल में, मिलिट्री स्कूल में या आरआईएमसी देहरादून में नहीं भेजना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आर्मी स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल साबित हो सकता है। 9th नंबर पे आता है आपका आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर, ठीक है जी, आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर। और 10th नंबर पे आता है आपका आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट। तो दिल्ली में हमारे करीब करीब 3 आर्मी स्कूल आ चुके हैं जो टॉप 10 की स्कूल में जगह बना रहे हैं, सोचिए आप। तो इसीलिए, क्योंकि दिल्ली वैसे ही काफ़ी पॉपुलेशन है और काफ़ी आर्मी वहाँ पे इन्वॉल्व है, और इस करके वहाँ पे 3-3 आर्मी स्कूल हैं, और देश की राजधानी है, एजुकेशन क्वालिटी आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है जी। तो ये जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं जो सर्वे करती हैं, उन सर्वे के आधार पर ये लिस्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये लिस्ट मैंने कोई घर पे बैठ करके नहीं बनाया है, ठीक है जी, ये आपको समझने वाली चीज़ है, लिस्ट आपके लिए तैयार किया गया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले क्या करो, फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दो, और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। और अगर आप अपने बच्चों को आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए तैयारी करवाना चाहते हो, 7419992928 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में। हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे हम लोग लेटेस्ट छोटी छोटी अपडेट्स डालते हैं, वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, अगर आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करते हैं, जिन्होंने हमारी बुक्स ली है, बुक्स में किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, फोटो खींचे टेलीग्राम पे डाल दीजिए, हम उसका छोटा सा वीडियो बना करके आपको मैसेज का रिप्लाई कर देंगे। तो अगर हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।